मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम तारामंडल स्थित वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला पहुंचकर आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। टेलीस्कोप और विशेष चश्मे से खगोलीय घटना का अवलोकन करने के साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से ग्रहण के आवृत्ति, समय और ग्रहों को लेकर जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री मौजूद लोगों को यह भी समझाते रहे कि कोई भी नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण न देखे। आंशिक सूर्य ग्रहण का स्पर्श व मोक्ष काल गोरखपुर में शाम 4:38 से 5:29 तक रहा। मुख्यमंत्री 4:40 पर नक्षत्रशाला पहुंचे। यहां उन्होंने पहले टेलीस्कोप से और फिर विशेष चश्मे, स्पेशल मल्टी कोटेड ग्लास व स्पेशल बायनाकुलर से सूर्य ग्रहण की स्थिति को देखा। ग्रहण अवलोकन के दौरान वह वैज्ञानिकों से जानकारी भी लेते रहे। वैज्ञानिकों ने बताया कि गोरखपुर में यह आंशिक सूर्य ग्रहण 52 मिनट तक दिखेगा। मुख्यमंत्री ने पूछा कि नवंबर माह में पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा, आखिर इतनी जल्दी जल्दी ग्रहण क्यों लग रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि एक साल में 5 से 7 सूर्य व चंद्र ग्रहण लग सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां खगोलीय घटना को लाइव देखने के लिए जरूरी उपकरणों की व्यवस्था की जाए। सीएम योगी ने मीडिया कर्मियों को भी विशेष चश्मे दिलवाकर आंशिक सूर्य ग्रहण को देखने की व्यवस्था कराई। आंशिक सूर्य ग्रहण देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में स्पेशल शो देखकर ग्रह नक्षत्रों की दुनिया की भी आभासी सैर की। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ग्रहण की प्रवृत्ति के क्रम में आज अमावस्या के दिन आंशिक सूर्य ग्रहण की दुर्लभ खगोलीय घटना देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को अभी उद्घाटित किया जाना शेष है। इन रहस्यों का पता लगाकर मानव कल्याण का मार्ग और प्रशस्त किया जा सकता है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला परिसर में भव्य साइंस पार्क जल्द ही अस्तित्व में आएगा। सूर्य ग्रहण देखने नक्षत्रशाला पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइंस पार्क के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि इसका विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजे। नक्षत्रशाला की खाली भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। यहां 2 एकड़ के आसपास जमीन खाली है, इसके आधे से भी कम हिस्से में इसका निर्माण हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने तारों की दुनिया का शो देखने के बाद इसके ऑडिटोरियम को 3D बनाने का भी प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने नक्षत्रशाला के लिए जरूरी अन्य कार्यों का भी प्रस्ताव भेजने को कहा। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, ADG जोन अखिल कुमार, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई, नक्षत्रशाला प्रभारी डॉक्टर महादेव पांडे, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लेकिन ये जो है गेट के वो कैसे आ रहे हैं? ये सर इधर आ जाएंगे आप, सर आ जाएंगे टच करता हुआ जाएंगे, जैसे मून पास होता हुआ चला जाएगा, चंद्रमा आ रहा है, ये एक समझ आ रहा है, सामने से जाना बाबू, तुम उस साइड चले जाना। हेलो कसा आया है जी, चार उसमें लगा कर गई हल्का सा शुरू, यहाँ से दिखाई देगा उससे दिखाई देगा।
आप थोड़ा सा भैया भैया अमरपाल भाई हट जाइए जरा उधर से, उधर से सेटिंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा इससे कम किससे नहीं आ रहा ओके उधर 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 हां उसको हटाइए उधर महाराज को पीछे और पीछे हो जाइए आप और आगे 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 इसमें पेड़ आ रहा है जी पेड़ क्या पत्तियां ये हां इसमें सांप दिखाई दे रहा है चश्मा से अच्छा लग ये इससे सांप दिखाई दे रहा है 12 साल का है ये सांप इससे दिखाई दे रहा है इस पे सांप नहीं काटा भी देते सोते समय उनको टेलीस्कोप तो इसलिए इसको सरल प्रक्रिया में कि ये इससे स्पष्ट ये वो ठीक है आपको पे उसका विपरीत असर नहीं पड़ेगा जी इस सांप जी इसमें सांप दिखाई दे रहा है हां भाई इतना थोड़ा सा छुआ है सांप करना शुरू कर दिया है टच करना शुरू कर दिया 53 मिनट का है लेकिन तो यहां 52 मिनट दिखाई देगा लेकिन इससे नहीं दिखाई देगा सबका का पेड़ आ रहा है पेड़ सामने आ रहा है इससे तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है अभी हर और कसर टच किया पूरा है क्या नहीं आंशिक पूरा नहीं है आधा से लेफ्ट हैंड हाफ का मतलब 45-46 मिनट तक दिखेगा 4:46 मिनट तक पूर्णिमा के दिन ईद है चंद्रग्रहण और आज सूर्य इतनी जल्दी जल्दी कैसे आ रहा है ये दरअसल सर होता क्या है जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर अंडाकार से इलिप्टिकल या दीर्घ इस टाइप से लगा तो चंद्रमा से 5 डिग्री का झुकाव होता है तो हर बार जो है वो तीनों बिल्कुल एक सीध में नहीं आ पाते हैं कभी सूर्य जो आपका चंद्रमा है वो नीचे से गुजर जाता है और कभी ऊपर तो जब एक सीध में बिल्कुल आते हैं जो आज आए हुए हैं इस कारण जो है अब यहाँ से जो बीच में है चंद्रमा आ रहा है तो चंद्रमा पर महाराज कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जल्दी जल्दी क्यों होता है एक साल में 5 से 7 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों हो सकते हैं हल्का सा आया 9 साल बाद इंडिया में आप लोग बनाए जैसे कि क्या है ये स्पेशल मल्टी कोटेड सोलर फिल्टर है ये यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूर्य से निकलने वाली उसको हटा देता है ब्लॉक कर देता है और ये एक्चुअल सन जो है सफ़ेद है हमारे साथ उसको दिखाया गया एक्चुअल सन कैसा है आज से करोड़ वर्ष पहले वो टूटा था उसका लाइट चलता है 3 लाख बादाम का पेड़ है गाय का पेड़ है बादाम नहीं नहीं सेमन अब इतने दूर से अभी ग्रहण है ना इसलिए अच्छा से हो जाएगा तीव्र करना निकलती है है अभी भी थोड़े देर में जब वो थोड़ा और अंधेरा होगा अंधेरा हो ही रहेगा यहाँ से लेकिन ग्रहण फिर भी चलता रहेगा सेम आजकल 26 मिनट चलता रहेगा अब वोट तो समय है 6:26 ये हम लोग ले जाते हैं वहाँ जब तक मोच नहीं रखा है अंदर थोड़ा सो तो ये और भी है क्या सामने वो लगाना पड़ेगा और जैसे उसकी तरफ करेंगे तब चूंकि वहाँ पहुँचना पड़ेगा
आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा। ऐसे पीरियड ना आगे आई फिट करें फर्क आज से फर इधर है यहाँ थोड़ा ऐसे यहाँ कर लीजिए अच्छा व्यू दिखेगा इसमें आप ये भी जानते हैं देखिए एकदम बिल हुआ सही कटा हुआ हाँ कटा पूरा दिखाई साइड में जो दिखाई दे रहे हैं दो जी सर वो क्या तारे दे रहे हैं सैटर्न को बहुत अच्छा दिखता है ग्रह बृहस्पति ग्रह और अभी मंगल ग्रह आ रहा है कौन से तारे आप लोग हट जाओ भैया आप लोग नहीं सर इससे डायरेक्ट मत देखिए डायरेक्ट डॉक्टर थोड़ा हम कट कर आगे सर जो भाई दिखाई दे रहा और सर थोड़ा पीछे आ जाए दिखाई दे रहा एकदम साफ दिखाई दे रहा धीरे धीरे करके आएगा आंशिक यहाँ दिखाई देगा। अरे रिपोर्ट कार्ड होती है आप लोगों को बोले मंगल ग्रह कितने बजे के आसपास जी जी चलो 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 क्लियर कर दीजिए गैलरी क्लियर कर दीजिए प्लीज हो जाएगा हो जाएगा सर गैलरी प्लीज क्लियर कर दीजिए चलिए चलिए कैसे मेडिसिन कैसे लोग महाराज देखिए यहाँ ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण की प्रवृत्ति रही है उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को यहाँ पर देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था
एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे, इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी। और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने देखा, इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसको भी अवलोकन किया है।